नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष बंसल है। मैं मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। मैं मेदांता में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ, जब से मेदांता की स्थापना हुई थी, और मुझे कार्डियोलॉजी फील्ड में 15 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है भी। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिल की बीमारियों के लिए आजकल बहुत सारी जाँचें संभव हो गई हैं। ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में हम जानते हैं, एंजियोग्राफी हमने सुना है, सीटी स्कैन होता है, उन्हीं में से एक टेस्ट है एको या एकोकार्डियोग्राफी, जो हम अभी कर रहे हैं। एको टेस्ट हार्ट के टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हार्ट यहाँ पर धड़क रहा है, तो हम एको करके हार्ट की पम्पिंग के बारे में जान सकते हैं कि ये नॉर्मली पम्प कर रहा है या कमज़ोर हो गया है। हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट का कोई एक हिस्सा कमज़ोर हुआ है कि पूरा हिस्सा कमज़ोर हुआ है। ये वेल्व्स हैं जो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, हम वेल्व का फंक्शन चेक कर सकते हैं, कोई लीकेज है या वेल्व सिकुड़ गए हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हैं हार्ट में उनका पता लगा सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ जिनके बारे में हम एको से पता लगा सकते हैं। ये एको टेस्ट बेसिकली अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ये जो मेरे हाथ में है, ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं, इसे हम ट्रांसड्यूसर या प्रोब कहते हैं। इसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं जो चेस्ट में से होके हार्ट तक जाती हैं और वहाँ से वापस आती हैं, उससे ये इमेज बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप स्क्रीन पे हमें हार्ट दिखाई दे रहा है, उसके चारों चेम्बर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जो हार्ट मसल पम्प कर रही है ब्लड को, इसको हम देख सकते हैं किस तरह से हार्ट धड़क रहा है। हम वेल्व्स देख सकते हैं, एक वेल्व यहाँ पर है बाई तरफ के चेम्बर्स के बीच में, एक दाहिनी तरफ है, और एक ये वेल्व है जिससे ब्लड बाहर जाता है हमारे हार्ट से। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट वेल्व्स को चेक कर सकते हैं। हम ब्लड फ्लो देख सकते हैं कलर यूज़ करके, ये ब्लड का डायरेक्शन हमें पता लग रहा है कि ब्लड हमें हमारे हार्ट में किस तरह से जा रहा है, और हम ये ब्लड किस स्पीड से जा रहा है वो भी हम मेजर कर सकते हैं ये डॉक्टर करके। आप देख रहे हैं ये ब्लड की वेलोसिटी आ रही है, वेग या स्पीड जिससे ब्लड मूव कर रहा है हार्ट के अंदर। अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसका कोई रिस्क नहीं होता है, इस वजह से एको टेस्ट भी बिल्कुल सेफ टेस्ट है। हम ज़रूरत पड़े तो इसे 100 बार भी रिपीट कर सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होगा हार्ट को। तो एको से हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ टेस्ट है। सिर्फ एक ही थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, वो ये कि जब हम ये एको करते हैं तो इस प्रोब को हमें चेस्ट पे रख के थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पर उसके बियॉन्ड एको से किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। तो ये एक्सपेंसिव भी नहीं है और सेफ़ है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस वजह से हार्ट के करीब करीब हर पेशेंट में हम एको करते हैं और उसके बेसिस पे हम बहुत सारे ट्रीटमेंट डिसीजंस लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।